अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसानुल्लाह खान। आप सबको, पूरे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं प्यार भरा सलाम नमस्कार। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरी एक पेशकी है और हाथ जोड़ के विनती है हर हिंदुस्तानी मुसलमान भाई से। भाइयों एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है मगर इस समय जो हाल चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक हाल है। रही बात ये कि हमारे जो माँ बहनें, भाभियाँ, भाई, मेरे भतीजे, भांजियाँ, जितनी भी लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये शॉपिंग ना करें। उसकी एक वजह है, आज आपको मालूम है हमारे देश में इतना लोगों को कफन मिले हैं, कितने लोगों को कफन मिले, किसी की माँ का लाल गया है, किसी की बाप की लाडली गई है, किसी की बहू गई है, किसी की बीवी गई है, किसी का बच्चा गया है, किसी का भांजा गया, किसी का भतीजा गया है, बेमौत। सोचो, और सही से उनको किसी जनाजे की नमाज मिली कि नहीं मिली, दफनाए गए नहीं दफनाए गए, बहुत से लोगों को हिंदू भाइयों के अंदर परंपरा पूरी निभाई नहीं गई, उनको ऐसे ही जला दिया गया, उनको लकड़ियाँ सही से नहीं मिली। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत से अंश आते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो आप शॉपिंग कर रहे हैं ना, उस पैसों से अपने अगल बगल वालों को सहायता कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, इंसानियत है, हम पूरे हिंदुस्तानी बता रहा हूँ, हम पहले एक हिंदुस्तानी है, एक मुसलमान है, मुसलमान का ईमान क्या कहता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो मोहताज है, जो बेवा है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हम पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई इस साल क्या करते हो त्यौहार आएगा वो कोई भी ना बनो, सबसे बड़ा त्यौहार है हम लोगों के दिल में किसी के लिए रहम, हम लोगों के दिल में किसी के लिए मोहब्बत, प्यार, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिंदगी में आज हम हैं कल नहीं होंगे, आप हैं आज कल नहीं होंगे, मगर जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको लोग याद करेंगे कि मेरा भाई, अजीम भाई, अजीज भाई, या मेरा राकेश भाई, या मेरे सनमेज भाई, या पाजी, कोई भी है, एनीवे एवरीथिंग, कोई भी हो, तो वो इंसान आपको याद करेगा, दुआएं देगा। तो दुआओं से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है हमारे आपके लिए। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से, कि अपने भाइयों का, अपने मोहल्ले का, अपनी गली का ख्याल रखें, अगल बगल का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परिवार वही अच्छा होता है जो परिवार एक साथ चले, मोहल्ला वही अच्छा होता है जो मोहल्ला एक साथ रहे, गली वही अच्छी होती है जो आपका एक साथ एक दूसरे का साथ दे। इंसानियत अभी मरी नहीं है, जिंदा है, इंसानियत मरी नहीं अभी जिंदा है, ये आप ध्यान रखिए आप सभी लोग, इंसानियत मरी नहीं है, जिंदा है, तो इसको जिंदा ही रखना है। ना बनो हिंदू, ना बनो मुस्लिम, ना बनो सिख, ना बनो ईसाई, बनना है तो एक सच्चा मानव बनो, एक इंसान बनो, जिस इंसान का अंदर इंसानियत का दिल है। धर्म तो आदमी पलट लेता है, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, हिंदू सिख से ईसाई, ईसाई से सिख बनाता है, मगर इंसान का दिल कोई नहीं रख पाता है। इंसान का दिल रखो, इंसान का दिल, जो हम एक मानव बन के पैदा हुए, एक इंसान बन के पैदा हुए, मगर यहाँ आके जानवर से बदतर हो गए, इस धरती पर आके एक दूसरे की ले मारी, चोरी, छीना झपटी, इसका माल हड़प कर ले, उसका माल हड़प कर, ये कब तक लगे, 30 साल, 40 साल, 50 साल। हम एक सफर पे आए, आपको मालूम है हम लोग एक सफर पे हैं, जैसे बॉम्बे से निकले यूपी, तो जब पैदाइश होती है ना मेरी, तो वो बॉम्बे है, और जब अंत होता है वो मेरा यूपी है,
जैसा मैं समझा रहा हूँ शायद आपको कोई नहीं समझा पाएगा, बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने आप सभी लोगों को बहुत सा अच्छा दिमाग दिया है परवरदिगार ने। मैं यही चाहूँगा भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्यार छोड़ के कि इस समय एक दूसरे की हेल्प करना है, इस समय एक दूसरे की हेल्प करना है। कर भला तो हो भला, यह हकीकत है। और मेरा एक ही नारा है, हम सब एक बनो नेक बनो। एक भारत को एक ऐसा भारत बनाना है जो पूरी दुनिया वाले देखेंगे भाई सबसे अच्छा भारत है, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। जो वहाँ के लोग हैं ना, वहाँ के लोग इंसान हैं, ना हिंदू है ना मुस्लिम ना सिख है ना ईसाई, वहाँ के लोग एक इंसान है। तो बस मुझे यही आपको तक मैसेज भेजना था, बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर आपके अंदर इंसान है तो कोई भी मज़हब वाला हो कोई भी त्यौहार नहीं बनाएगा। और जिसकी इंसानियत मर चुकी है वो बात अलग जाने। मुझे मालूम है मासूम बच्चे हैं। दोस्तों बहुत लंबा हो गया वीडियो, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, गुजारिश करता हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई ज़बान से गलत बात निकल गई हो, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती मेरी गुजारिश है। और मैं यही चाहूँगा कि एक अच्छा इंसान बनो। जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे ना तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक मुसलमान अच्छे बनेंगे। पहले आप एक इंसान तो बनिए। आप जब इंसान आप बनेंगे ना तो आप बहुत अच्छे इंसान, आप बहुत अच्छे मुसलमान बनेंगे। आप इंसान बन के देखिए, आप इंसान बनिए इंशाल्लाह, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। पूरी दोनों जहाँ की दौलत मिलेगी आपको, इज्जत मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, मगर एक इंसान का दिल रखो। चलिए कहा सुना में कोई माफ गलती हो या जबान से कोई बात नहीं करें, फिर हम माफ़ सकूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माष्टा, हम सब एक बनो नेम। अस्सलाम वालेकुम।